Hello everyone, I'm Dr. Navjot Simi. In today's session, I'm going to talk about the complete book list for UPSC preparation. मैंने इस session को दो parts में divide किया है, that is for prelims and for mains. जब हम UPSC की बात करते हैं तो जो हमारे resources हैं वो एक बहुत ही important role play करते हैं. तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप शुरुआत में ही जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया जाता है आप उसको एक डिटेल्ड गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज की तरफ जाइए. तो जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से. सो एनसीईआरटीज फॉर्म द बेस ऑफ योर प्रेपरेशन. यू हैव टू कम्प्लीट एनसीईआरटीज फ्रॉम 6th to 10th स्टैंडर्ड. तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको जो एनसीईआरटीज है 6th to 12th वो पढ़ लेनी है और ख़ास करके 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है. और उसके साथ एक जीसी लियोंग की बुक आती है ज्योग्राफी के लिए, आपको वो करनी है. एंड यू कैन आल्सो फॉलो वन बेसिक बुक, लाइक देयर इज़ अ बुक बाय माजिद हुसैन दैट यू कैन यूज़ फॉर योर रेफरेंस. जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिक जो हमें बुक्स में उतने अच्छे से इलेबोरेटेड नहीं मिलते हैं तो आप उस बुक से रेफ़र कर सकते हैं. और इसके अलावा एटलस आपको करना है. सो आई थिंक दीज बुक्स विल बी सफिशेंट फॉर योर ज्योग्राफी प्रेपरेशन. नाउ आई विल मूव ऑन टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में भी आपको शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करनी है. जैसे एनसीईआरटीज एक ओल्ड एनसीईआरटीज आती हैं और एक न्यू एनसीईआरटीज आती हैं. ओल्ड एनसीईआरटीज में तीन पार्ट्स हैं उसके भी, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. And similarly, the new NCRTs contain part 1, part 2 and part 3. So, आपको ये दोनों old और new NCRTs complete कर लेनी है. और specifically आपको modern India के लिए spectrum की एक book आती है, आपको वो follow करनी है. अब मैं बात करूँगी art and culture की. art and culture के लिए भी आपको वही NCRTs आती हैं जो basic हैं 6 to 12th वो करनी है. और 11th class की एक NCRT है an introduction to Indian art. इस पर आपको खास ध्यान देना है. और एक रिसेंटली एक और 12th क्लास की एनसीईआरटी भी आई है, क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. सो ये दोनों एनसीईआरटीज आप अच्छे से कर लीजिए और इसके बाद आपको जो एक बेसिक बुक है वो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं. कुछ लोग जैसे नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या फिर NIOS का मटीरियल होता है, या उसके अलावा भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उनके जो क्लास नोट्स होते हैं आप वो भी साथ बाय साथ ज़रूर उसको भी फॉलो करें. नाउ आई विल टॉक अबाउट पॉलिटी. सो पॉलिटी के लिए भी बेसिक एनसीईआरटीज जो हैं वो आपको करनी है. और पॉलिटी के लिए तो एक बेसिक बुक है जो हमें बहुत थॉरली करनी है, वो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. इस बुक को एक तरह से पॉलिटी के लिए बाइबल ही माना जाता है. आप इसको बहुत अच्छे से करिए और इसके मल्टीपल रिविजन्स करिए. अब मैं बात करूँगी इकोनॉमी की. तो इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटीज जो हैं वो तो आपको फॉलो करनी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कोई भी एक बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि श्रीराम IAS, या फिर रमेश सिंह आती है, या फिर विवेक सिंह की अभी रिसेंटली एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी के, वो भी काफ़ी अच्छी है. और इसके साथ साथ आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो ईयरली आता है उसकी समरीज भी मार्केट में आपको मिल जाएंगी. डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स समरीज को प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक अच्छी समरी उसको साथ के साथ कर सकते हैं. उससे आपकी प्रेपरेशन में वैल्यू एडिशन भी होगा और आपको काफ़ी फैक्ट्स और फिगर्स भी मिल जाएंगे जो आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स. जब जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में भी इन्वायरमेंट को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं उसका ट्रेंड भी पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है. तो इसके लिए भी आपको बेसिक NCERTs तो करनी ही है. और ख़ास करके क्लास 12th की NCERT है उसमें लास्ट के जो चार चैप्टर्स दिए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं. दोज आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. और इसके साथ आपको एक बेसिक बुक फॉलो करनी है एनवायरनमेंट के लिए. जैसे कि मार्केट में एक बहुत अच्छी बुक आती है, शंकर IAS जो अकेडमी है उनके द्वारा एक एनवायरनमेंट की बुक दी गई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं.
और इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें जो भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपको वो सब करना है। और इसका आप क्या कर सकते हैं, जो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं आप उसको अपने नोट्स में भी अलग से बना के रख सकते हैं, ताकि आप उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें ईजीली। अब मैं बात करूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको जो एनसीईआरटीज़ हैं 6th to 10th वो आपको अच्छे से करनी है। और इसके अलावा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आपको वो करना है। और ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स तो करने ही हैं, न्यूज़पेपर्स को भी रेगुलरली फॉलो करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा मेजर जो पोर्शन है वो इन्हीं के थ्रू कवर होता है, तो आप ये सारे रिसोर्सेज के थ्रू अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए न्यूज़पेपर है आपका, आप कोई भी एक रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉलो ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। आप इसके अलावा भी और कोई अच्छा न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके उनके द्वारा डिफरेंट आपको मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी, या फिर उनके द्वारा ईयरली कंपाइलेशन भी दिया जाता है करंट अफेयर्स के लिए, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन है वो इन्हीं दो सोर्सेज से होगी। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की हैं, तो आप उनको मतलब टाइम टू टाइम देख सकते हैं। कुछ कुछ जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं उन पे आती रहती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों से आपकी प्रेपरेशन इन्हांस होती है। सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द पेपर वन ऑफ प्रीलिम्स, दैट इज़ द जनरल स्टडीज़। Now I will talk about paper 2 of the prelims, that is the civil services aptitude, जिसको CSAT बोलते हैं। तो आप CSAT को बिल्कुल भी neglect मत करिए, CSAT को time to time अपना थोड़ा सा time निकाल के उसको करते रहना है। जैसे आप कोई एक basic book भी ले सकते हैं, जैसे market में अरिहंत की भी एक अच्छी book आती है CSAT के लिए। इसके अलावा जो different coaching institutes हैं उनकी भी booklets आती हैं, तो आप अपने basic concepts वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो CSAT एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट तब भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। नाउ आई विल टॉक अबाउट दी रिसोर्सेज फॉर मेंस। तो मेंस को जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है उसको चार पेपर में डिवाइड किया गया है, GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 एंड GS पेपर 4। सो आई विल स्टार्ट विद GS पेपर 1। GS पेपर 1 इंक्लूड्स इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। सो इसको ब्रॉडली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया था NCERTs करनी है, और नितिन सिंघानी की एक बुक आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप कोई और बुक भी फॉलो करते हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली यू शुड ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज, और उसको ही बार बार रिवाइज करते रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम चलेंगे हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री में भी आपको ओल्ड और न्यू NCERTs करनी है, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए भी एक NCERT की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है नॉर्मन लो की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर एक तमिलनाडु की भी बुक्स आती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वो भी अच्छी बुक होती है। तो आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए किया था, NCERTs करनी है, आपको GC लियोंग की बुक पढ़नी है, और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन की एक बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं, या कोई और बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स तो फॉलो करने ही हैं, और उसके साथ साथ आपको एटलस पर भी ध्यान देना है। एंड द लास्ट पार्ट इन GS पेपर 1 इज सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी आपको NCERTs तो आपने पढ़ रखी होंगी ऑलरेडी, उसके अलावा आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल ले लीजिए, और आप टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिए गए हैं उसके हिसाब से आप अपने ब्रीफ नोट्स भी बना सकते हैं उन टॉपिक्स पे, ताकि आपको बाद में रिवाइज करना ईजी हो जाएगा। सो आप सोसाइटी का पोर्शन वहाँ से कवर कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट GS पेपर 2 विच इंक्लूड्स गवर्नेंस,
कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो हम गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं। गवर्नेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको प्रिपेयर करने के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी समरी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसकी समरी कर सकते हैं। जो भी रेलेवेंट एआरसी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, सिक्स, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, दे आर रिलेटेड टू गवर्नेंस। सो आप ये सारी रिपोर्ट्स की समरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो आपको करने ही हैं। डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, करंट अफेयर जो मटेरियल आपको मार्केट से मिलता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, आपको वो सब तो करते ही जाना है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात करेंगे तो आपकी बेसिक बुक जो है लक्ष्मीकांत, वो आपको करनी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स, वही आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में न्यूज़पेपर रेगुलरली करना है। और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एक PRS लेजिस्लेटिव वेबसाइट है, PIB है, आप उसको भी रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको उसमें से आर्टिकल्स या चीज़ें मिलती हैं, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, तो इसके लिए भी आपका जो बेस है वो करंट अफेयर्स ही बनाएगा। आप उसको जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मटेरियल दिया जाता है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं उसको कवर करेंगे, या फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप उसको देख सकते हैं। जैसे एक रिसेंटली नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, 3-year agenda, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक जनरल आइडिया भी लग जाता है कि हमें अपना आंसर भी लिखना है तो उसमें किस तरह से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स ही आपका बेस बनाएंगे। जो भी मटेरियल आपको मार्केट से मिल जाएगा करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आप प्रिपेयर करिए, या फिर कोई बेसिक बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जो हमारा बेसिक जो आपकी बैकग्राउंड है उसको वो बिल्ड करेगा। सो आप कोई भी एक बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, और साथ में जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपकी प्रेपरेशन को इन्हांस करते रहेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट जनरल स्टडीज़ पेपर 3, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वी विल स्टार्ट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपके जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं सिलेबस में, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए, आप उस वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें आपकी जो लार्जली प्रेपरेशन, इट विल बी बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स, जो भी लेटेस्ट आपके न्यूज़ चल रही होती हैं उस पर ही बेस्ड होते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये दो चीज़ें आप कर लेंगे तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो इसके लिए भी आपको बेसिक NCERTs हैं वही फॉलो करनी है। उसके अलावा कोई भी आप एक बेसिक बुक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है श्रीराम IAS की, या फिर विवेक सिंह की, या रमेश सिंह की, कोई भी बुक आप एक फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर ऑल्सो, जो कि आप मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, उस वहाँ से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो वेबसाइट हैं गवर्नमेंट्स की वहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरीज भी ज़रूर करें, तो आई थिंक ये सब चीज़ें करने से आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के लिए भी आपको NCERT की जो बुक हैं वो तो फॉलो करनी ही है। उसके साथ आप एक कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शंकर IAS की एनवायरनमेंट बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो आपके करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके थ्रू आप एनवायरनमेंट की चीज़ें कवर कर सकते हैं। और कोई भी आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप कवर कर सकते हैं। सो आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें सफिशिएंट हो जाएंगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी आपको जो बेसिक करंट अफेयर्स हैं वही आपका बेस बनाएंगे। यहाँ भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा
मटेरियल्स मिल जाता है आपको मार्केट में जो आप सिक्योरिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एआरसी की 3 रिपोर्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, दैट इज 7th, 8th and 5th। तो ये तीनों रिपोर्ट्स की समरीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की वही वेबसाइट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें करने से आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो मिल जाएगा जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स विल फॉर्म दी बेस हेयर एज वेल। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स। और इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस आती हैं, वो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक उसका फ्रेमवर्क समझ लीजिए, वो गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइडलाइंस के बारे में, तो आप ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल स्टडीज़ पेपर 4, दैट इज़ एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो ये पेपर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड इसको हम कर सकते हैं, एक जो जनरल टॉपिक्स हैं, दूसरा जो है केस स्टडीज़। क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसके लिए आप एक बेसिक बुक आती है लेक्सिकॉन की, तो आप वो वहाँ से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डेफिनेशंस हैं जो आपकी सिलेबस में हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। सो आपको एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है रिगार्डिंग एथिक्स। तो उसको करने के बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई वुड से दैट ट्राई टू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। यहाँ भी आप अगर एक सोर्स रखेंगे तो आपके लिए रिवीजन करना इजी हो जाएगा। एंड अदर देन दैट आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स यहाँ भी कुछ रेलेवेंट हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 4th and 12th रिपोर्ट है, उसकी आप समरी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स जो हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, तो वो आप रेगुलरली फॉलो करते रहें। और स्पेसिफिकली केस स्टडीज़ के लिए आप या तो कोई टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं, या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये प्रोवाइड करते हैं केस स्टडीज़, तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने थे, एथिक्स प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू द बेसिक एंड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। इसके साथ साथ आपको एडिशनल मटेरियल या फिर एड ऑन्स जो आप कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे संसद टीवी पे डिस्कशंस और डिबेट्स आती हैं रेगुलरली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं भी अपनी प्रेपरेशन के टाइम राज्यसभा टीवी द बिग पिक्चर आता था, उसको फॉलो करती थी रेगुलरली। और इसके साथ साथ आप जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे हम एक पेपर तो रेगुलरली फॉलो करते हैं, इसके अलावा अगर कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है किसी और न्यूज़पेपर में, तो आप उसको वो आर्टिकल स्पेसिफिक बस एक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे थोड़ा कम फोकस करना है। और डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप सबको फॉलो करते रहिए, मतलब बीच बीच में गो थ्रू करते रहिए। और आप इसके अलावा शेखर गुप्ता का कट दी क्लटर आता है, आप उसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इन्हांस होती है रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। एंड आई वुड से दैट एवरी एस्पिरेंट इज़ यूनिक, एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ यूनिक। सो आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करें, जैसे कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। आप वही रिसोर्सेज को अगर बार बार रिवाइज करते हैं, आपका प्रेपरेशन बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंड रिवीजन इज़ द की। अगर आप मान लीजिए आपने एक हफ्ते का टारगेट बनाया है और उसको वीक के लास्ट डे में अगर आप रिवाइज करते हैं, तो उससे भी आपकी जो प्रेपरेशन है काफ़ी इन्हांस होती है। सो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसी की फिर एप्लीकेशन जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तो उसी की एप्लीकेशन के साथ आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक टॉपिक के आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास अपने हैंडी नोट्स रहते हैं जो आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। सो अगर ये सब चीज़ें आप रेगुलरली और कंटिन्यूसली करते जाएंगे, तो आई वुड से दैट ये एग्ज़ाम की प्रेपरेशन काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू।
थैंक यू।